सुप्रभातम प्रिय बच्चों, मैं सुधेंद्र मिश्रा आज आप लोगों को कक्षा 9 की संस्कृत, जिसका शीर्षक है वंदना नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग इस श्लोक का अर्थ ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। प्रस्तुत वंदना में श्लोककार भगवान की प्रार्थना करते हुए क्या कहता है, संस्कृत के इस श्लोक के माध्यम से आप समझें। कह रहा है, तेजोसि तेजो मयि देहि, वीर्यम असि वीर्यम मयि देहि, बलम असि बलम मयि देहि, ओजोसि ओजो मयि देहि। तेजोसि असि माने हो, हे प्रभु हे ईश्वर आप तेज स्वरूप हैं, आप तेज स्वरूप हैं, तेज मुझ में भी धारण कराइए। देहि माने मेरे अंदर भी धारण कराइए। वीर्यम मसि वीर्यम मयि देहि, आप वीर हैं, आप वीर हो, आपके अंदर वीरता है, इसलिए वीरता मेरे अंदर भी धारण कराइए, मैं भी वीर बनूं। बलम मसी, आप बल हैं, शक्ति हैं, ताकत हैं, इसलिए बल मुझ में भी धारण कराइए। ओजोसी ओजो मयि देहि, आप ओज स्वरूप हैं, ओजस्वी हैं, इसलिए आप ओज मुझे भी प्रदान करें, या ओज मेरे अंदर भी धारण कराइए। अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। इस श्लोक में कवि कहता है कि हे ईश्वर, असत्य की ओर से आप मुझे सत्य की ओर ले चलें। अस्तोमा सदगमय, मामा ने मुझे असत्य की ओर से आप मुझे सद माने सत्य की ओर, गमय माने ले चले, अर्थात असत्य के मार्ग से मुझे आप सत्य के मार्ग पर ले चले, सत्य मार्ग का रास्ता दिखाएं। तम सोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार की ओर से, तमस का मतलब यहाँ अंधकार, अंधकार का मतलब होता है अज्ञानता, नहीं पूरा समझो कि तमस का मतलब अंधकारी, जो व्यक्ति मतलब जो है अनपढ़ होता है, गवार होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो अंधकार में होता है। इसलिए कह रहा है श्लोककार, तम सोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार की ओर से मुझे प्रकाश की ओर ले चलिए, अर्थात अज्ञानता की ओर से मुझे ज्ञान की ओर ले चलिए, अर्थात ज्ञान का प्रकाश मेरे अंदर हो। मृत्योर्माम अमृतम अमृतम गमय, मृत्यु की ओर से मुझे अमरता की ओर ले चलें, अर्थात मृत्यु का भय ना हो, मुझे अमरता का रास्ता दिखाएं। तीसरा देखिए, यतो यता समीहसे ततो नो अभयम कुरु, शन्ना कुर प्रजाभ्यो अभयम ना पशुभ्या। देखिए कहता, यतो यता जिस किसी चीज से, यतो यता जिस किसी भी चीज से आप मुझे छुटकारा दिलाना चाहते हैं, समीह से मैंने चाहते हो, जिस चीज से आप चाहते हो उस चीज से मुझे छुटकारा दिलाइए। ततो नो अभयम कुर, उन चीजों से मुझे निर्भय कर दो। हे ईश्वर, जिन जिन चीजों से आप चाहते हैं उन चीजों से मुझे निर्भय बना दीजिए, निडर बना दीजिए। सन्ना कुर प्रजाभ्यो अभयम ना पशुभ्य, सन्नाकुर प्रजाभ्यो, प्रजा से, प्रजा को सन्ना कुरु, सन्ना का मतलब आप लोग जानते हैं, सन्ना का मतलब होता है कल्याण। सन्ना का मतलब क्या होता है, कल्याण। आप जिन जिन चीजों से मेरे प्रजा का कल्याण कर कल्याण चाहते हैं,
उससे आप और पशुओं का कल्याण चाहते हैं, उससे उससे हमें निर्भय कर दो। अर्थात जिन जिन चीज़ों से आप प्रजा और पशुओं का कल्याण चाहते हैं उन उन चीज़ों से हमें निर्भय कर दो। आगे देखो चौथा श्लोक, नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद् वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। कहते नमो ब्रह्मणे, ब्रह्मणे माने ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी आपको नमस्कार है। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हैं। त्वमेव प्रत्यक्षं प्रत्यक्षं, आप ही प्रत्यक्ष हैं। ब्रह्म वदिष्यामि, इसलिए आपको ही मैं ब्रह्म बोलूँगा। इसलिए आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, इसलिए मैं आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा बोलूँगा। ऋतम वदिष्यामि, ऋतम का मतलब होता है यथा स्थिति या वास्तविक सच्चाई। ऋतम वदिष्यामि यथा स्थिति या वास्तविक सच्चाई बोलूँगा, सत्यम वदिष्यामि और सत्य बोलूँगा। तन मावत तद वक्तारमवतु, तद माने उस चीज़ को, वक्तारमवतु वक्ता, वक्ता की, ऐसे वक्ता की आप रक्षा करें। तन मावत तद वक्तारमवतु, ऐसे वक्ता की, ऐसे बोलने वाले की आप रक्षा करें। अवतु माम मेरा कल्याण करें, अवतु वक्तारम और ऐसे बोलने वाले का कल्याण करें। देखिए सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य। सत्यव्रतम, आप सत्य का आचरण करने वाले हैं। सत्यव्रतम सत्य परम, सत्य व्रत का पालन करने वाले हैं और सत्य का आचरण करने वाले हैं। त्रिसत्यम, त्रिसत्यम माने जो तीन तरह से सत्य है। त्रिसत्यम तीनों कालों में जो सदा सत्य रहने वाला है। त्रिसत्यम तीनों कालों में जो सत्य रहने वाला है। सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, और सत्य की योनि में जो सत्य निहित है। सत्य की योनि में जो सत्य निहित है। सत्यस्य सत्यम ऋत सत्यस्य नेत्रम, और सत्य के का ही जो सत्य है, और ऋत ऋत सत्य नेत्रम, ऋत सत्य नेत्रम और यथा स्थिति जो सत्य नेत्र वाले हैं। सत्यात्मकम, ऐसे सत्य एक सत्यात्मक को कि त्वम शरणम प्रपन्ना, ऐसे सत्य का व्रत रखने वाले, असत्यात्मकम सत्य की आत्मा वाले आपकी शरण में पहुंचना चाहता हूं। देखिए बच्चों, मैंने आज आपको ये पांच श्लोक थे, पांचों श्लोक का अर्थ बताया। अगर इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसी परिस्थिति में आप हमारे विद्यालय के व्हाट्सएप नंबर 8576-8793-75 पर संपर्क कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।